सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू यूनिवर्सल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी नए कैंडिडेट हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को घंटी को दबा दे, चूँकि ये नई वीडियो आए सबसे पास आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, इन थंबल में जो दिया है ना, ये 10 टॉप क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप मेरे ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग को। पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बताइएगा ए बी सी डी में, मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली या प्रयागराज। चलिए अपना टाइम भी देखते हैं, मैनेजमेंट टाइम ही 5 सेकंड का मोहलत देते हैं। अब टाइम स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, प्रयागराज। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है, यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। वही इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बताइए सबसे छोटा उच्च न्यायालय कहाँ है, मतलब हाईकोर्ट कहाँ है सबसे छोटा हाईकोर्ट। पहला दूसरा देखिए, पहला दूसरा ए बी सी डी देख लिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी। तो चलिए टाइम अपना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, गुवाहाटी में है सबसे छोटा हाई कोर्ट। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने से भी ट्राई करते जाइएगा। हाँ, अपना स्कोर भी बताइएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा ज़रूर से। तीसरा देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्ष तक बने रहते हैं? तो देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्ष तक बने रहते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं ना, तो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों बताइएगा ए बी सी डी में, 65 वर्ष, 63 वर्ष, 67 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष। बताइएगा कौन सबसे सही होगा, सही होगा। तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी सही होगा, 62 वर्ष। और इसे बढ़ाया गया है फिलहाल, 65 वर्ष तक किया गया है, ठीक है? तो इस समय करेक्ट होगा ये 62 वर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन कंफ्यूज में तो होगा, ये मतलब अभी प्रस्तावना की जा रही है बढ़ाने की, मतलब दिया गया बढ़ाने के लिए, अभी बढ़ा नहीं है, 65 वर्ष होगा फ्यूचर में, ये 62 वर्ष इस समय है, ठीक है? कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन। कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं है, इसका पता कौन करता है? तो बताइए कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं है, उसका पता कौन करता है? ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो बताइएगा आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, लोकसभा, ठीक है? चलिए अगला, नहीं, सॉरी, लोकसभा नहीं होगा, ये सी होगा, राष्ट्रपति, ठीक है? मिला लीजिएगा, कोई भी धन विधायक विधायक है या नहीं है, उसका पता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पजवा, एक लोकसभा की जनसंख्या कम से कम कितनी होती है? मतलब कि एक एमएलए की, जैसे कि आप लोग का जो आप लोग का एमएलए मतलब लोकसभा के क्षेत्र पड़ता है, तो उस जनसंख्या पूछें कितना पड़ता है, मैक्सिमम कितना पड़ता है, तो कितना पड़ता है मैक्सिमम इनका जनसंख्या? तो बताइएगा ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को बताइए होगा। ऑप्शन सी,
5 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है सटवा। 6th क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पहला लिखित संविधान कहाँ के है? तो दोस्तों बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा पहला लिखित संविधान कहाँ का है? ए बी सी डी में देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका। देखिए अब टाइम स्टार्ट करते हैं अपना। 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका का विश्व का सबसे पहला वो संविधान है जो कि लिखित संविधान है। और सब ठीक है अमेरिका के। अब पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सब इस समय का सबसे वर्तमान में सबसे बड़ा संविधान, मतलब सबसे बड़ा संविधान कौन सा? भारत का, हम लोग का, इंडिया का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए बी सी डी देख लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। तो बताइए अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा। वन, अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आ गया। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री का शपथ या नियुक्ति कौन करता है? तो बताइएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में देख लीजिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यपाल। आई होप ये पता होगा आपका क्वेश्चन, ये आंसर आपको सभी को पता होगा, जहाँ तक मेरा सोच है, अब मेरा तो उम्मीद है सबको पता होगा ये आंसर। तो बता देना कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, राज्यपाल, गवर्नर, क्या गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, लोकसभा की नियुक्ति आयु होता है, बताइए नियुक्ति आयु होता है, कितने आयु होता है? ए बी सी देख लीजिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी, 25 वर्ष, 25। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, स्कोर कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर था आप लोग के। हाँ, जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आप बताइएगा कौन से सब्जेक्ट में रिलेटेड क्वेश्चन आऊँ, तो अब अपने से मैं रोज़ ही वीडियो लाऊँगा, और हो सकता है सुबह 9 बजे मैं छोड़ दूँगा ये वीडियो। आप लोग ज़रूर ये टेस्ट दें, 10 टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। मौलिक आधार कहाँ से लिया गया है? बताइएगा हमारे संविधान का मौलिक आधार जो कि फंडामेंटल कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। चलिए अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौलिक आधार कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब यहीं पे पूछ दिया जाए मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्य पूछा जाए ना, कर्तव्य पूछा जाए, मौलिक कर्तव्य, तो क्या बताऊँगे, रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, मौलिक आधार जब आधार आए तो ट्रिक देखिए, ट्रिक इससे दिखा दें, देखिए पहले मिटका दे, अब ट्रिक देखें। आधार पूछा है तो आधार से क्या होगा? अमेरिका। अब पूछ दे मौलिक कर्तव्य, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, कर्तव्य से रूस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो और एक बार और बता दे, जो भी नए कैंडिडेट है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि नए वीडियो आए सबसे पास आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख लो सकते हो। और आइकॉन में पहला जो टेस्ट नहीं दिया जो स्टूडेंट, जो मैं आइकॉन जाके देख सकता है पहला वीडियो। और हाँ, चलिए तब तक लिए फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।